हमारा प्यारा प्यारा केशवी का राखी का लुक। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईदा। सो आज राखी है। वैसे हमारी राखी तो आज से 20 दिन 21 दिन बाद आती है, बट केशवी और हेमंत की फर्स्ट राखी है और हमने यही सोचा है कि हम इसी राखी को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर क्या होता है कि बच्चों को स्कूल में छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, और ये राखी जो होती है ना आज के दिन वाली, तो ये पूरा नेशनल हॉलीडे होता है। सो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम इसे राखी को सेलिब्रेट करेंगे, और ये राखी इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हमारी केशवी की फर्स्ट राखी है। सो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और मैं जो राम सिंह भी हैं उनको आज बांधूंगी, महेंद्र भी है, सुनील और मेरा जो भाई है उनको मैं आगे बांधूंगी, क्योंकि जैसे जैसे होगा, कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, किसी को आज नहीं होता, हमारे 20 दिन बाद वाली राखी होती है, तो उस अकॉर्डिंग हम राखी बांधते हैं। तो हमारे में क्या होता है, आज के से लेके 20 दिन बाद तक रेगुलर कभी भी राखी बांधो, ऐसे ही होता है हमारे में, क्या सब में यही होता है। लेकिन हमने बोला है हमारी दीदी लोगों को कि दीदी आज आप आज ही बांध दो, क्योंकि फिर हम चले जाएंगे तो फिर पता नहीं होता ना क्या हो क्या नहीं हो। तो दीदी लोग मान गई, और जो मेरा भाई है वो बोला नहीं मैं उसी राखी को बंधवाऊंगा, तो ओके उसी राखी को हो जाएगा। और राम सिंह भी आया है तो राम सिंह भाई को पकड़ के ज़बरदस्ती बांध दूंगी मैं। सुनील भी यहाँ है नहीं, वो केदारनाथ बद्रीनाथ गए हुए हैं। महेंद्र भैया कहाँ गए हैं, कहाँ बोला था उन्होंने, MP गया हुआ है महेंद्र भैया, हाँ गए हुए हैं महेंद्र भैया। तो महेंद्र भैया बोले मैं 4 दिन बाद आके मंगवाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करके अब हमारा आज से लेके 20-25 दिन राखी सेलिब्रेशन चलता रहेगा। लेकिन हेमंत और केशवी का बहुत ही स्पेशल राखी होने वाला है ये, तो सब कोई आ चुके हैं, बाकी हमारे केशवी के सारे भाई आ चुके, ये रहे दीपू भैया, वो श्याम भैया हैं, ये देखो थोड़ा पीछे रहना जेटू जी, आप भाई बहन, वो बड़े भैया भी आ गए, आनंद भैया, और हाँ दिखा दिया आपको नहीं, और ये मेरे केशवी की भतीजी है केचू, केचू आप बुआ हो कन्नू दीदी की, ओ केचू। और देखो आ क्या जमाना आ गया, छोटी बुआ अपनी भतीजी नहीं, भतीजी अपनी बुआ के लिए गिफ्ट लेके आती है, अपनी छोटी बुआ, हाँ बड़ी भतीजी अपनी छोटी बुआ के लिए गिफ्ट लेके आती है। मेरा जो लुक है वो ये देख सकती हो, रेड कलर है हमारे में, कुछ भी शगुन का काम हो रेड मस्ट बी नीडेड होता है, और मेरा भी फेवरेट रेड है। तो अब बस सब्जेक्टू जी तैयार होने जा रहे हैं, दीदी लोग आने वाले हैं, मेरे लाला भी तैयार होके बैठ गए, चश्मा लगा के बैठ गए, टनाटन सब चीज़ रेडी हो गई है, खाना बन रहा है, दीदी लोग सब यहीं खाना खाएंगे, अब आगे जैसे जैसे सबको आएंगे आप लोगों से अपडेट करते रहेंगे। सो ये रहे हमारे कान्हा जी, और देखो गॉगल्स पहने हुए हैं क्योंकि आज हमारी केशु सबसे पहले हमारे लाले को राखी बांधेगी। और ये है हमारा मंदिर जिसमें सारे भगवान जी विराजमान है, कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर। तो चलिए अब लेट नहीं करते हुए आपको केशु और हेमंत की ड्रेस दिखाती हूँ। बहुत सारे मैसेज आए हैं कि दीदी अच्छी सी ड्रेस बनवाना हेमंत और केशवी के लिए, तो ये है मेरे केशवी की राखी स्पेशल ड्रेस, ठीक है थोड़ी बड़ी क्योंकि इससे छोटी मिली नहीं, और मैंने कट नहीं करवाया, मैंने बोला यार आगे काम आ जाएगी, है ना, हर मम्मी यही करती है। और ये है मेरे हेमंत की ड्रेस, ये है मेरे हेमंत की ड्रेस जो कि मेरे हेमंत को पहनाने वाले हैं, इसके नीचे वो जींस कंफर्टेबल होगा तो जींस पहनाएंगे, और वो पजामा कंफर्टेबल होगा तो पजामा। सो ये उन दोनों की ड्रेस है। अब हम करते हैं केशवी और हेमंत को तैयार, क्योंकि सबको आने वाले हैं दीदी लोग, तो उस रूम में अब करण भैया ठीक करें पूरा बेड वगैरह, अब मैं उन दोनों को तैयार करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारियों में लग गई हूँ राखी की, क्योंकि हमारे केशवी की फर्स्ट राखी है, तो जेठानी जी कुछ कुछ सामान ला के दे रही हैं, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कटोरी में डाली, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, मिठाइयाँ भी हैं, और जो चबेनी वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो जेठानी जी धीरे धीरे ला के दे रही हैं, मैं सारा कर रही हूँ, और इस जो थाली में है वो थाली में सारी राखियाँ खोल खोल के रख रही हूँ। मेरा डेकोरेशन मेरे पतिदेव को नहीं समझ आया, वो बोला तू रुक अब मैं करता हूँ सारी डेकोरेशन, सारी चीज़ें, फ्रूट्स भी लेके आ गए, और देखो सारे मिलके लग गए। तो भैया चालू है तैयारी, डेकोरेशन अब आज केशवी की पहली राखी है, तो भाई सब तैयार है, बैठे हैं सब अपने अपने अकड़ में हैं, नोरा काटेगी तो आएंगे, पहले नोरा कटाएंगे, सब रेडी है, सब तैयारी हो रही है, बस सब खा रही है, चलते भी लोग को ये वाओ केशु को बहुत पसंद आएगी ये, थैंक यू तनु केशु के लिए।
तन्नू इस तन्नू के लिए तन्नू की बुड्डी नानी बैग लाई है। तन्नू आज तेरे को तेरे पास गया तेरे आज तन्नू छोटी बार के हम नहीं निकली तेरे छोटी आ धारी बेटी आ तो के उसके कोई बुड्डी बात नहीं। ए तन्नू तेरे छोटी बुजिया तेरे गिर पड़ी है। ओके राम जी ओके आनंद आ जाओ भाई बाबूजी झूलो ला बाबू झूले में ये बाबा लड्डू गोपाल जी लाओ लल्ला जी कोला कम गिरो से काय हो रही बड़ बार झूलो है देखो कितना और कितना है कितने दे दो इसको ओ बिचारा अच्छा ना कि सो और बिचारा कौन है और ये तो बड़ा सा नान कटे आ गई आ धो ले ये है सारी राखियाँ जो मेरी केशी बांधने वाली है भाभी भतीजी सबको। और यहाँ पे जो ये प्लास्टिक में आपको सिल्वर कलर की दिख रही है वो सारी चांदी की राखियाँ हैं। केशी अपने पांचों भाइयों को चांदी की राखी बनाएगी। सबको क्या क्या चाहिए? कुछ के चाहते अरे तनु तेरे को क्या खाना है बेटा? कुछ का चलो तो मिल रही है बच्चों को राखी की ट्रीट। किसी को छत्ते खाने हैं, किसी को पुचके खाने हैं, किसी को कुछ खाने हैं, कुल मिला के सबको एक दूसरे का आइटम खाना है। तो हेमंत का लुक आपने देख लिया। ये केशवी केजू केशवी राधे 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 राधे। तो यहाँ पे केशवी प्रियंका दीदी की गोद में बैठ गई है। दोनों दीदी इस तरफ बैठ गए और केशवी के सारे भाई पहले बैठ गए हैं क्योंकि आज केशवी की फर्स्ट राखी है। तो सबसे बड़े आनंद भैया, नितेश भैया, महेश भैया, दीपू भैया, फिर आता है हेमंत। तो हेमंत एकदम लास्ट में बैठ गया। तो हेमंत बोला था मम्मा मुझे भी आगे बैठना है केशवी के पास। तो जैसे कि केशवी की फर्स्ट राखी है सारे भाई बैठ गए तो कान्हा जी ना बैठे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो केशवी सबसे पहले तिलक हमारे लाले को लगाएगी क्योंकि मेरे लाला है श्याम बाबा और शिव जी का आशीर्वाद है कि आज हमारे घर पर इतनी बड़ी खुशी आई है। सारे भाई बैठ गए थे तो आनंद भैया की गोद में पहले लाला जी को बैठाया प्रियंका दीदी ने केशवी की हेल्प से। पहले कान्हा जी को तिलक लगाया, अब कान्हा जी को हम अपनी जगह विराजमान करेंगे, फिर सारे भाइयों को तिलक लगाया जाएगा। और केशवी को देखो कितने आराम से बैठी। उससे पहले बड़े भाई हैं केशवी के आनंद भैया, है ना केजू? सारे भैया लाइन से बैठ गए हैं। आगा बेटा मेरे सो फाइनली मेरी केशु हेमंत को राखी बांध रही है। ये दिन के लिए तो मतलब क्या ही बोलूं। वैसे तो हर साल हेमंत की राखी बहुत स्पेशल की है इसकी सारी बहनों ने, बट भगवान जी ने जो मेरी केशु को भेजा है ना हेमंत के लिए, तो बस ये मान लो। शूट में कर रही थी बट मैं एकदम स्पीचलेस थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बट बस आप सबकी ब्लेसिंग्स है और आप सब बहुत सारी ब्लेसिंग देना मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हेमंत और केशवी को, कि खूब 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 सारा प्यार हो और हर भाई को ऐसी बहन मिले प्यारी सी और हर बहन को ऐसा ही भाई मिले। क्योंकि रक्षाबंधन पे ना सबसे ज़्यादा वैल्यू पता चलती है एक बहन को अपने भाई की और भाई को एक बहन की। तो बस मैं भगवान जी से यही प्रे करूँगी कि हे भगवान जी हर घर में ऐसा भाई बहन ज़रूर देना, बस बहुत ज़्यादा। और आप सब भी खूब सारा प्यार देना मेरे दोनों बच्चों को और सारे मेरे घर के बच्चों को। हाँ जी, तो अब केशवी के भाई और भाभी अपने जोड़े से बैठ गए हैं क्योंकि
भाभियों को भी बांधेगी भाई, भाभियों को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे केशवी अपने भाभी को भी राखी बांधेगी, भतीजा भतीजी हम में ना ऐसे ही होता है, जो ननद लोग होती है मतलब जो दीदी लोग होती हैं वो सिर्फ भाई को नहीं भाई के पूरे परिवार को राखी बांधती हैं, बच्चे हों चाहे भाभी हो। क्या आप लोगों में भी ये रीति रिवाज होता है मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सारे भाई गिफ्ट भी लेके आए हैं बहुत सारा, क्योंकि भाई बहन की पहली राखी है। तो ये आनंद भाई ने अपना गिफ्ट दे दिया, नितेश भैया महेश भाई ने ये वाला गिफ्ट दे रहे हैं, सबको अपने अपने गिफ्ट। और केशु इतना खुश है गिफ्ट लेके, एकदम ऐसे देख रही हो छो क्यों लेके आए मतलब। और सबसे बड़ी बात है इतना टाइम तक केशु ना बिना रोए रह गई, ये सबसे अच्छी बात है, वरना तो रो रो के हालत बुरा कर देती। ये दीपू भैया की तरफ से है, दीपू भैया ने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस दी है और बाकी भाइयों ने भी बहुत प्यारे ड्रेसेस दी है, वो मैं आपको आगे कभी गिफ्ट सारे दिखाऊंगी ज़रूर। अब यहाँ पे मेरी बिटिया रानी को देखो कैसे सब कुछ देख रही है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। केशवी ने राखी तो बांध दी थी लेकिन जो गिफ्ट है, क्योंकि भाई केशवी भी अपने भाई को तो गिफ्ट देगी ना, तो यहाँ पे केशवी लेके आई थी हेमंत के लिए चांदी का कड़ा, मतलब मैं ही लेके आई हूँ दोनों भाई बहनों की तरफ से गिफ्ट। हम में ये बोलते हैं कि बहन ना भाई को चांदी का कड़ा देने से बहुत अच्छा होता है। तो जेठू जी भी अपनी बहनों से बहुत बार पहन चुके हैं, हेमंत को भी लक्ष्मी दीदी ने पहना ली है पहले और इस बार अब केशवी दे रही है, देखो कैसे खुश। और हेमंत की तरफ से केशवी की फर्स्ट राखी गिफ्ट है गोल्ड के कड़े, जो कि हाथ में पहनने के हैं। हेमंत को बहुत टाइम से था कि मम्मी मैं मेरी बहन को यही दूंगा। पता है हेमंत की जब फर्स्ट राखी थी ऐसे ही केशवी के जैसे, हेमंत थोड़ा सा 2 महीने और बड़ा था क्योंकि हेमंत जनवरी में पैदा हुआ है। तो हेमंत ने अपनी सारी बहनों को एक जैसी साड़ियाँ करवाई थी, मतलब वो भी मैंने ही की थी, और हेमंत की सारी बहनें आई थी राखी पे, वो वाली राखी भी बहुत स्पेशल थी। और ये वाली राखी पे मेरे केशवी के सारे भाई आ गए, आने वाली तो सारी बहनें ही थी बट कहीं किसी के कुछ प्रॉब्लम किसी के कुछ प्रॉब्लम। और हमारे ना तीज सर पे है, जैसे एक दिन बाद ही हमारे तीज होता है, तो ये तीज पे ना कितने भी करो हमको ससुराल ही रहना होता है, तो इसलिए दीदी लोग नहीं आ पाई। और यहाँ पे मैं आई हूँ, मैं बोली रुको रुको मैं बना दी हूँ। वैसे हम सब बहुत खुश थे कि केशवी इतना टाइम रह गई, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब केशवी ना नई नई बैठनी सीख रही है तो उसको बैठना बहुत पसंद है, प्रियंका दीदी के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती है इसलिए वो प्रियंका दीदी के पास आराम से बैठ गई। तो राखी तो बंद गई, अब मेरे हेमंत सेठ जी बोल रहे हैं कि मम्मा हमारे फोटोज वीडियोस तो हुए ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने केशु को गोदी लेके हेमंत के गोदी में अच्छे से बैठाया और ये देखो दुपट्टा कि भाई प्रॉपरली फोटोज तो होना, मेमोरीज तो कलेक्ट करनी होती है, जब केशु बड़ी होगी ना तो वो सारी देखेगी अपने फोटोज वीडियोज सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने इसकी ड्रेस व्रेस ठीक कर दी तो वो खुश थी कि भाई ठीक है ये सब हो रहा है, उसको भी नया नया बैठना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे राम सिंह भी उसके फोटोज ले रहे थे, फिर मैंने बोला दो मुझे दो मैं लेती हूँ फोटोज, क्योंकि उसको हंसाना वो देखो मेरी तरफ देख रही है, उसको हंसाना मुझे ही आता है वो मुझे देख के। और आपको पता है केशवी को जब भी बोलते ना केशवी जय श्री श्याम केशवी राधे राधे तो मेरी केशु हंस देती है। आप लोगों की राखी सेलिब्रेशन कैसी रही मुझे जरूर बताना, कितना एंजॉय किया, क्योंकि राखी बहुत स्पेशल होती है। हमारी तो वैसे राखी 20 दिन बाद आती है ना, तो हमारे में उस दिन होता है ज़्यादा, लेकिन मैंने ये वाली राखी सेलिब्रेट कर ली। यहाँ पे मैंने पास में बैठा दिया हेमंत के पास केशवी को, दुपट्टा देखो भाई कैसे दुपट्टा रख रहा है, फिर मैंने बोला ऐसे दुपट्टा मत रख हल्का सा सर पे रख दे। फिर मैंने इन दोनों के बहुत प्यारे प्यारे फोटोज वीडियोज बनाए, वो आपको ना इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, दरक सहिता केशवी हेमंत। वैसे केशवी और हेमंत दोनों की ड्रेस कैसी लगी आप लोग जरूर जरूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि केशवी ने ना फर्स्ट टाइम लहंगा वेयर किया है तो हम भी बहुत ज़्यादा ऐसे थे, मन तो बहुत था उसको बिंदी चूड़ियाँ वो सब पहनाऊँ बट वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती ना, लहंगा भी फर्स्ट टाइम है तो मैंने फिर लहंगा ही किया। और हेमंत के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा खुश है वो इतना ज़्यादा। बट अभी रात को हेमंत को निकलना पड़ेगा क्योंकि हेमंत के घर से स्कूल है और अब स्कूल एक भी दिन मिस नहीं होंगे। फिर यहाँ पे सारे भाई भाभी फिर से एक साथ बैठ गए क्योंकि एट द एंड आरती भी होती है, बहन आरती भी करती है। तो यहाँ पे केशवी ने प्रियंका दीदी और इंदु दीदी के साथ मिलके अपने सारे भाइयों भाभी सबकी आरती की। तो बहुत ही अच्छे से हमारे केशवी को, केशवी ने अपने सारे भाई भाभी सबको राखी बांध ली है, केशवी ने इंदु ने प्रियंका दीदी ने मिलके। सो बड़े बड़े भाइयों आप सबकी ड्यूटी है, आपकी छोटी बहन एक और हो गई जिसकी पूरी ड्यूटी निभानी है तो यहाँ पे अब बारी आती है हमारी। तो आप बोलोगे आप ही डैक बंधवा रहे हो,
तो हमारे बड़े वाले जेठ जी जेठानी जी और बीच वाले जेठ जी जेठानी जी जिस दिन हमारी राखी होती है उस दिन बंधवाएंगे, बट हम उस दिन नहीं आ पाएंगे इसलिए हमने दीदी से आज ही बंधवा ली। आप सबको बता दें कि आज ना मंडे है तो पूर्णिमा लास्ट थी, सावन का सोमवार था, तो ऑलमोस्ट हम सब ने फास्ट रखा था सब ने। और आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि इस राखी पे ये लास्ट जो मंडे था सावन का किसने फास्ट रखा था। तो यहाँ पे मुझे ना राखी में ये लूंबा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा मतलब डिमांड रखती हूँ कि नहीं दीदी मुझे ये वाला चाहिए, नहीं अम्मा मुझे ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे अम्मा मेरे लिए बहुत ही सुंदर सा लूंबा लेके आई थी, दीदी अपना अलग लेके आई थी, फिर हेमंत को भी यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। अब आप बोलोगे केशवी कहाँ है, तो केशवी अंदर पिंटू के पास है, मतलब हमारे बहुरानियों के पास है, क्योंकि अब उसको यहाँ पे इरिटेट हो रही थी, वो मतलब गर्मी थी ना बाहर। तो हम तीनों को राखी बांध के दीदी और अम्मा ने फिर केशवी को भी राखी बांधी, फिर यहाँ पे हम दोनों ने दोनों दीदियों को प्रणाम किया, दीदी लोगों से आशीर्वाद लिया, फिर एक प्यारा सा फोटो तो बनता ही है, तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा फोटो हुआ। फिर जेठू जी ने बोला नहीं नहीं अब मैं मेरे दोनों बहनों के बीच में भी आके फोटो क्लिक करवाऊंगा, तो मैं बोला ठीक है आप बीच में आ जाओ। फिर हमने यहाँ पे फोटोज क्लिक करवाई, बहुत ही अच्छे से राखी सेलिब्रेशन हो गया है। अब हमारा हेमंत सेठ जा रहा है गुरुग्राम, क्योंकि अब स्कूल है ना हेमंत, और हम सारे हैं यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि दो दिन बाद मेरी तीज है, तो तीज करके उसके बाद जाने का इरादा है, तो देखते हैं अब तीज करके मैं जाऊंगी या फिर हेमंत को वापस फ्राइडे को बुलाऊंगी, जैसा भी होता है आगे देखेंगे, क्योंकि अब तीज चौथ जन्माष्टमी ऊप छठ बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये सारे फेस्टिवल में यही रहना होता है। तो तीज चौथ यहाँ अलग अलग आपको, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे सब कोई भाई बहन या मस्त हो गया। अम्मा अम्मा हाँ कैसा कल दिखा खा ली तो आ गया, खाना कैसा बना, मजा आ गया। आपने फाइनल बताया नहीं कौन सा आइटम पहले खाया कौन सा आइटम बाद में खाया, मिठाई और चीनी। वैसे ना आज सोमवार था लास्ट, तो ऑलमोस्ट अब सगले व्रत हो, नहीं सारों के व्रत है, सारों के मतलब हम अगर 22 लोग हैं ना तो उसमें से 5 लोगों को छोड़ के इंक्लूडिंग बच्चे हम सारों के पास था, सारों के। तो लाला ओ लाला जल्दी जल्दी तू आ जाना, ध्यान रखना अपना, पढ़ाई अच्छे से करना, सारी क्लासेस अच्छे से करना, लव यू मैन, बहुत मिस करेगी। तिलक सारा मिटा दिया नहीं, तो खेल ले दिन भर, बैग है तेरे पास, बैग रख लेना, सारी चीजें डाल दिया, विद्या घनी घनी दिया सबको करो, क्यों प्रणाम नहीं किया जाता है भाभियों को, बाय बाय, ओहो बाय बाय, मेरे को हेमंत तन्यो को कर दो, बुढ़ो जी को कर दिया हेमंत, हाँ जी गाइस दीदी लोग सब कोई चले गए, केशवी सो रही है, अब हम भी सोएंगे, बहुत सारी वीडियोस बनाई, खूब सारी मस्ती की, और हेमंत भी चला गया, हेमंत को मिस भी कर रही हूँ, बट कोई ना, क्योंकि अब परसों तीज है तो अब कल लगेगी हाथों में मेहंदी, अब देखती हूँ कितनी मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि अगर केशवी रह गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर देखती है। तो आप लोगों की राखी कैसी गई ज़रूर कमेंट से बताना, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, और बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि हर भाई हर बहन खूब सारी खुशियाँ उनके लाइफ में, हर 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 भाई बहन को, है ना। सो ओके गाइस बाय बाय, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर, अरे ये मक्खी बैठ गई देखो, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बाय बाय।